तो पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको दिखाते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है और पीएम मोदी के फैसले पर पीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, कृषि कानूनों के वापस लेने के फैसले पर पीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी और कहा, गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है, केंद्र को तीन काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य किया है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम, जानकारी जहां पर ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का आपको दिखा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जहां पर पीएम मोदी के फैसले पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कृषि कानूनों के वापस लेने पर सीएम ने कहा कि गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, केंद्र को तीन काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य किया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बड़े फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम, जानकारी जहां पर देश के किसानों को उन्होंने बधाई भी दी है, ये अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ा ऐलान, क्योंकि लगभग एक साल पूरा होने वाला था कृषि कानून को लेकर, और ऐसे में उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया, क्या इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है? बिल्कुल सावरी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को आज वापस लेने का ऐलान किया, इसका न केवल किसान बल्कि स्वागत कर रहे हैं, बल्कि जो किसान विरोध में थे वह भी अब इस पर राजनीति नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि किसान पूरी तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है और साथ ही इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहा है कि जो तीन कृषि कानून वापस लिए गए हैं, रद्द किए गए हैं, तो उसको लेकर किसान बिल्कुल खुश है, उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि देश का किसान है वो, भारत देश का किसान है वो, सरकार के साथ है, इस बात को आज नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने बता दिया। वहीं इस पर अब कांग्रेस जिस तरीके से यहां पर राजनीति करने जा रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी ट्वीट किया है कि ये गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर से ताकत दिखाई है, और साथ ही ये कहा है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को, जो केंद्र सरकार के तीन काले कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया गया है, इसके लिए उन्होंने किसानों को बधाई दी है और कहा यह किसानों की ही जीत नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। तो इस तरह का ट्वीट भूपेश बघेल ने किया है, क्योंकि भूपेश बघेल यहां पर किसान हितैषी सरकार चलाने का दावा करते रहे हैं और यहां पर वह चाहे समर्थन मूल्य की बात हो तो समर्थन मूल्य भी छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपए दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। वहीं लेकिन इस पर भाजपा विपक्ष की बात करें तो विपक्षी भाजपा दल बोलता है कि केंद्र सरकार जो 1950 रुपए दे रही है उसके समर्थन मूल्य में आप सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर उसमें जोड़कर आप किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। वहीं अभी हमने किसान मोर्चा के श्याम बिहारी जायसवाल से बात की थी, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा है कि किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया और पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां पर एक तरफ कहा जा सकता है कि किसानों ने जो धैर्य दिखाया आज उसका फल उन्हें मिला है। विपक्ष जरूर राजनीति करेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष किसानों को जो है विपक्ष का समर्थन मिलता आ रहा था, और ऐसे में कांग्रेस अभी फिलहाल राजनीति कर ही रही है, लेकिन जो धैर्य किसानों ने दिखाया, सड़कों पर किसान थे, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सड़कों पर किसान उतरे थे, तब विपक्ष कहाँ था, कांग्रेस कहाँ थी? बिल्कुल, जिस तरीके से सब्र की हम बात करें तो यहाँ पर न केवल केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार सब्र रखे हुए थी कि किसानों को हम समझा लेंगे, लेकिन अंततः किसानों को जब समझा नहीं सके, और जैसा कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ जब मिलेगा तभी हम विकास की बात करेंगे, इस तरह की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो जब किसानों का साथ नहीं मिला तब जाके इन कृषि कानूनों को रद्द किया गया है, भले मजबूत
मजबूरी में किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, तो यहां पर पूरी संवेदनशीलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है कि जिस तरीके से उन्होंने इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करके किसान हित में निर्णय लिया है, तो ये एक बड़ा निर्णय है। इसको देश में काफी इसका स्वागत हो रहा है और अब इसे लेकर जो राजनीति हो रही है, चाहे वो केंद्र में बैठी विपक्ष में बैठी कांग्रेस कर रही हो, तो कहीं ना कहीं अब यह है कि किसान पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो ये बात अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए लंबे इंतजार के बाद ये फैसला लिया गया है, ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि राकेश टिकैत के तरफ से साफ कह दिया गया है कि फिलहाल किसान जो है बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे जब तक संसद में ये बिल को लेकर वापसी को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो जाती है। क्या लगता है कब तक किसान वापस जाएंगे या फिर किसान आगे की कोई अन्य रणनीति बनाएंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीन कृषि कानूनों के निर्णय का ऐलान करते हुए उनसे अपील की है कि जो भी किसान धरने पर या आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो तत्काल प्रभाव से अपने घर में अपने परिवार के पास लौटें, तो एक तरह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की यह अपील है किसानों से कि वो अपने घर लौटे। लेकिन यदि इस पर राजनीति, राकेश टिकैत चूंकि एक बड़े नेता के रूप में इस किसान आंदोलन के में रूप में उभरे थे और जिस तरीके से उन्होंने इसका नेतृत्व किया और अब इसे लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और किसानों का ये अड़ियल रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसमें राकेश टिकैत को भी इसमें सब्र के साथ जिस सब्र के साथ उन्होंने आंदोलन को एक गति देते रहे, ठीक उसी सब्र के साथ उन्हें अब वापसी भी करनी चाहिए, अपने परिवार में लौटना चाहिए, जो अपना मूल कार्य है खेती किसानी उसकी तरफ अब फोकस करना चाहिए, तो तब जाके किसानों की जो शहादत हुई है इस आंदोलन के दौरान वो क्योंकि जिन्होंने खोया, जिस परिवार ने खोया अपने मुखिया को, तो कहीं ना कहीं लोग अब उस एक दंश है, वो दर्द है, उस दर्द को अब इस निर्णय के साथ काफी राहत मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत किसानों की हुई है, लोकतंत्र की हुई है, तो भारत देश में अगर लोकतंत्र है तो यही उसका परिणाम है कि आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन बड़े जो कृषि कानून थे उन्हें वापस लिया है और अब किसानों को वापस अपने घर लौटना चाहिए, अपने मूल कार्य में फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया है, बड़ा फैसला है, जगह जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया ये जो एक साल का समय था इस दौरान कई ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कई सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि जब सरकार को किसान बिल वापस लेना ही था तो समय रहते उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्यों इतने ज्यादा तादाद में किसानों ने अपनी जान गंवाई, किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा, चूंकि किसान कहीं ना कहीं बरगलाया हुआ था, उसे कहीं ना कहीं भ्रम में पाला गया था, जिस तरीके से विपक्ष कांग्रेसी विपक्ष उनको पूरी तरह से बरगला के रखा हुआ था, ठीक उसी तरीके से यहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे थे तीन कृषि कानून लागू हो जाए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बात MSP की हो तो भी वो MSP को स्थिर रखना चाह रहे थे, क्योंकि जो किसानों की मांग थी कि MSP लागू रहे कंटिन्यू रहे, लेकिन किसानों को यह भ्रम में रखा गया कि आपकी MSP खत्म कर दी जाएगी और दूसरे जो बड़े उद्योग हैं वो कृषि क्षेत्र में आ जाएंगे, तो इस तरीके से किसानों को अपने अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा था, इस भ्रम में वो इस बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से किसानों के हित में यह निर्णय लिया, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जब तक किसानों का साथ नहीं मिलेगा, देश के किसानों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक कृषि कानूनों की अब केंद्र सरकार बात नहीं करेगी, लेकिन जहां तक बात है जो शहादत हुई है जो इस आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपने को खोया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की बनती है, राज्य सरकार की बनती है, जहां कुंडली बॉर्डर में जो तो हरियाणा सरकार हो पंजाब सरकार हो, क्योंकि यहां पर पंजाबी समुदाय के ही किसान इसमें मूल रूप से थे और हरियाणा के कुछ किसान थे, तो पूरे देश का समर्थन इस आंदोलन को नहीं मिला था, तो एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा भारत देश इस तीन कृषि कानूनों के खिलाफ था। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।